ओबीसी भी है जो मंत्रालय हमारे मंत्री जी के पास है, SC ST अलग है, एक समाज कल्याण मंत्रालय जिसमें SC ST माइनॉरिटी OBC सभी वर्ग आते हैं। साथियों, आप में ये जरूरी नहीं कि सभी लोग आम आदमी पार्टी के हों, समाज को बुलाया गया है पार्टी से ऊपर उठ के। जैसा अब तक का हमारा तजुर्बा रहा है साथियों, सरकार के सामने हर समाज अपनी अपनी समस्याएं रखता है, कितनी उसमें पूरी होती है कितनी सुनी जाती है ये तो बात की बात है। बात रखने के बाद पूरी होना ना होना सुने जाना, बाकी हमने जो महसूस किया है कि आज तक मंत्री जी क्यों 9 महीने हो गए, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर सी पुरे, मैं मंत्री जी का राजनीतिक सलाहकार हूं। हमारे मनोज गिरियान जी ये मंत्री जी के PS हैं, ये हमसे उम्र में बहुत छोटे, पार्टी में बहुत बड़े हैं, क्योंकि हम 14 में आए पार्टी में, ये जब पार्टी बनी नहीं थी उससे पहले सबसे पहला इलेक्शन भी लड़ा इन्होंने भवाना से, तो इसी काबिलियत की वजह से मंत्री जी के ये PS हैं आज। तो बहुत सारी हमारी आपस में चर्चा जब होती है, थोड़े से भी फुर्सत के क्षण मिलते हैं तो हम आपस में चर्चा करते हैं, क्योंकि साथियों हमको महसूस करते हैं लोग भूल जाते हैं मंत्री बनते ही, दिमाग कुछ तो कहते हैं खराब हो जाता है। वैसे हम 9 महीने से देख रहे हैं हालात वैसे ही बड़े खराब होते हैं, मंत्री को फुर्सत होती नहीं है, सुबह से शाम तक का अगर ये लिखा पढ़ी ना हो PA के पास तो मैं तो बहुत जगह से बदनामी आते हैं। आप तो काउंसलर साहब हैं, आप लोगों को तो बहुत सारी बातों को पता है। तो हम जब चर्चा करते हैं तो एक बात निकल के आई, एक मंत्री जी के दिमाग में मंत्री जी से बात हुई तो मंत्री जी ने कहा कि जब हमारे सामने कोई मांग रखी जाती है कब पूरी होगी या नहीं होगी तो बाद की बात है, बाकी हम अल्पसंख्यक समाज की तरफ से देख रहे हैं कि यहाँ से तो मांग ही नहीं आती। जब तक आप अपने समाज के लिए कुछ मांगोगे नहीं तो आम आदमी नहीं भाई साहब, कोई सुपर आम आदमी पार्टी आ जाए घर से आपको नहीं पूछने जाएगा कोई भैया तुम्हारे घर मोहल्ले में तुम्हारे समाज में क्या दिक्कतें क्या तकलीफें हैं। साथियों, भाषणबाजी नहीं है, बड़े समझदार लोग बुलाए हैं, मेरी जरूरत नहीं। साथियों, आज जो हालात हैं, पार्टी आती है कभी किसी की सरकार कभी किसी की सरकार, मंत्री बनते हैं, ये परमानेंट चीज नहीं, समाज परमानेंट चीज है। आज आप मेरे से बेहतर जानते हैं जो देश में हालात हैं, बात दिल्ली की नहीं कर रहा मैं, पूरे देश की कर रहा हूं, किसी से छुपा नहीं है। और अगर हम ऐसे ही मनन करते रहें, अखबारों में पढ़ते रहें, रोजाना TV पे देखते रहें और आपस में चर्चा की दो चार साथियों ने और चुप हो गए, काम चलने वाला नहीं है। साथियों, थोड़ी आदत खराब है क्योंकि 30 साल से हम और मंत्री जी साथ साथ रहे हैं, कॉलेज लाइफ से बुढ़ापा आ गया साथ साथ ही रहे, बिना किसी ब्रेक के, विदाउट एनी ब्रेक, तुम तो यारी दोस्ती साल दो साल की चार साल समाज में काम किया, पूरा जीवन और जवानी के 30-35 साल हमने लगाए समाज में देखा है, पूरे देश में घूमे हैं, तो थोड़ी आदत सामाजिक कार्यकर्ता की होती है थोड़ा साफ बोलने की कड़वा बोलने की। अब मंत्री जी ढल गए क्योंकि 3 साल से राजनीति में आ गए, कई बार मुझे भी कहते थे ज़्यादा कड़वा मत बोला करो। मुख्यमंत्री जी ने परसों कहा भाई प्रदर्शन करना है, ठीक है जी, हमारे लिए भी तो करना है या पार्टी करेगी, हमने कहा यदि पार्टी करेगी तो कहो पार्टी से भाई प्रदर्शन में भेजो सब लोगों को। साथियों, प्रदर्शन हुआ, कई थानों में बंद हुए लोग, बहुत बढ़िया संदेश गया, बाकी जब वहाँ देखे गए आदमी तो तब गिना जाता है, जब चाय पकौड़े चलते ना तब पता चलता है, वहाँ पर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम, अगर एक आध कोई दूसरा हो तो पता नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँ ये कोई नई बात है यहाँ की, साथियों
इन सबसे अलग हटके पार्टी है, इसलिए हम हैं इस पार्टी में। कांग्रेस और बीजेपी में जो हालात है आप सबको पता है, आप 25 साल से देख रहे हैं। आम आदमी उनसे कुछ बेहतर लगी तो आज हम हैं। फिर भी एक बात मैं कहना चाहता हूं साथियों, राजनीति अलग हटके समाज के तौर पे हमको समझना तो होगा ही होगा, साथ में इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हम हालात को समझ के इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं है। ये मैं अपनी निजी बात कर रहा हूँ, मंत्री जी तो बात करेंगे जिसने बुलाया है, उससे संबंधित तो ये है। सिर्फ उस बात को चाहे एक घंटे में कह लो चार घंटे में कह लो, एक सेंटेंस है कि आपने अपने समाज की कुछ दिक्कतें हम सोचे, मंत्री जी सोचे, उससे पहले आप बताओ ना, आप बेहतर जानते हो, तभी तो उस पर कुछ काम होगा। मंत्री जी कुछ काम करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। एससी एसटी की कई मीटिंग हो गई, हमने कहा जी अब के माइनॉरिटी में कई जातियां हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, एक एक कम्युनिटी को बढ़ाओ, एक साथ सबको बुलाएंगे, हौच पौच हो जाएगा। सबकी समस्याएं भी अलग अलग हैं, मुस्लिम्स की अलग है, सिखों की अलग है, बौद्धों की अलग है, जैन भी है। मैं माफी चाहूंगा, जहां से हमारे मंत्री जी विधायक हैं वो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत सारे नुमाइंदे हैं, हो सकता है बाद में मुझे पकड़े कि तुमने बड़ा कड़वा बोला, सच्चाई है सामने बोल रहा हूँ। जब भी कभी विधायक जी के सामने बात आई, कब्रिस्तान में भराव करा दो जी, इस दीवार पर जाल लगवा दो, 9 महीने के क्या 3 साल के अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ जी, एक भी किसी मुस्लिम भाई ने ये नहीं कहा जी कि कहीं कोई ट्यूशन सेंटर खोल दो बच्चों के लिए, कहीं कोई स्कूल या मदरसे की व्यवस्था करो जी। अब तो विधायक है यहाँ पर, हम अपने अलग खाते से कर दो, माइनॉरिटी विंग का भी इंचार्ज है ये, उसमें भी फंड है, उससे कुछ कर दो। एक भी कहा गया है, कहा गया है तो अच्छी बात है, गंज नहीं है। देखो ऐसा है, कहा गया बहुत अच्छी बात है, बाकी मेरा निवेदन आपसे ये है, मैं आपको बताऊं मेरी अपनी बात ये है, कहा गया है तो उस पर अमल कितना हुआ, तो मंत्री जी ने किया नहीं, इसका मतलब आपने चर्चा कर दी दोबारा नहीं, व्यंग नहीं करता भी कभी, व्यंग के लिए थोड़ी बात है। और ऐसा सुनो, सुनिए साथियों, एक सेकंड, हम एक बार कहना चाहते हैं साथियों, सुनो साथियों थोड़ा सा ध्यान दें, भाई जी सुनिए जरा, अब चर्चा कर दो तो बात कर मुझे खराब हो जाएगा। हाँ जी भाई साहब, भाई साहब सारे बेटा सारे बोलो तो कैसे बात। अब मैं एक बात बताऊं, सुनिए, अभी आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग गए थे, हमारे सीमापुरी से तो बहुत सारे लोग गए हैं, हो सकता है पता तो सबको चला होगा। मैंने इसलिए कहा है, भाई साहब को व्यंग लगा वो आपकी अपनी सोच हो सकती है, व्यंग के लिए नहीं बुलाया आपको, आपको बुलाया है अपना समझ के कुछ दर्द बांटने के लिए। आपको व्यंग लगता है वो आपकी अपनी सोच है। शेड्यूल कास्ट के लिए अभी 9 दिसंबर को तालकटोरा में एक स्कीम लागू हुई, आप देखते हैं सबको पता है, जितना भी अनुसूचित जाति समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, रिजर्वेशन संविधान में दिया हुआ है, उसके आधार पर मंत्री जी आगे हमारे जितना भी दलित समाज है, संविधान में प्रावधान के आधार पर शिक्षा ले रहा, शिक्षा से ही अफसर बन रही, बहुत सीधी सी बात। बाकी कुछ गरीब लोग इतना रिजर्वेशन और इतनी सहूलियत मिलने के बावजूद भी कुछ गरीबों के बच्चे जो बड़े अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे हैं अफसर बन सकते हैं,
बाकी उसके लिए कोचिंग की जरूरत होती है और कोचिंग 50,000 लाख बड़ी महंगी महंगी कोचिंग जो गरीब आदमी नहीं दिला सकता। तो मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बात की कि जो गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसा है, फंड बहुत है, खर्च करने के लिए योजनाएं बनाई नहीं सरकार ने आज तक, कभी भी पिछली सरकारों ने, तो तय किया गया, घोषणा हुई मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जो भी गरीब बच्चा है शेड्यूल कास्ट वर्ग का, दलित समाज का, उसके अंदर प्रतिभा है तो गरीबी बाधा नहीं बनेगी। बच्चा कोई कोचिंग लेना चाहता है तो उसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, और ये तय कर दिया गया अगले महीने से उन बच्चों के एडमिशन शुरू होंगे। हर साल 5,000 बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। 5,000 में से मैं समझता हूँ सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब 2,500-3,000 भी अफसर बन गए तो समाज का उद्धार हुआ, भला हुआ। उन्हें भी पता चलेगा कि भाई कोई मंत्री आए उन्होंने हमारा, यही हम चाहते कि जो शेड्यूल का जो भी अनुसूचित जाति के बाद में माइनॉरिटी और हमारा ओबीसी, तो हम समझते हैं कि ओबीसी में संपन्नता है, जो गरीबी है हमारे माइनॉरिटी में बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह शिक्षा। आप अपने अपने विचार, मेरा मैंने अपना विचार बताया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, वही है, चाबी वही है जो खोलेगी सारे तालों को।